ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 2 है ना ऑफ क्लास 12 फ्रॉम बुक विस्तार. आज क्लास 12 की जो बुक विस्तार है उसका लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग बाय कालकी. कालकी पेट नेम है ना कृष्णमूर्ति स्वामी, जो राइटर है उनका पेट नेम कालकी है. तो आपकी जो बुक विस्तार है उसका लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग के बारे में पढ़ते हैं ना. देखो, इट इज द स्टोरी अबाउट है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम एक आपका किंगडम था एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश. जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में जो सिस्टम का रूल करते थे ना, उस टाइम पे एक किंगडम था प्रतिबंधपुरम. तो वहाँ के जो किंग थे, जो वहाँ के जो राजा थे ना, उनके बारे में कहानी है ना. और उन राजा को ना बहुत सारे नाम से क्या थे हम लोग चैप्टर में बताया गया है कि लोग जानते थे, है ना. उनका नेम टाइगर किंग पीसी से पड़ा हुआ है. जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, महाराजा अधिराज, भुवन सम्राट, जिलानी जुमजुम बहादुर, एमएडी, सीटीसी, प्रतिबंध, बहुत सारे नाम से जाना गया है. अब स्टोरी सेट ठीक है, किस टाइप की होती है स्टोरी सेट होती है ना, कि वेन है ना महाराजा वॉज बॉर्न. जब जो इस चैप्टर के जो हीरो हैं, जो किंग हैं प्रतिबंधपुरम के, जब वो पैदा होते हैं ना, तो तब शुरू होती है उस टाइम से. तो होता क्या है ना, जिस तरीके से नॉर्मली एक बच्चा घर में पैदा होता है तो क्या होता है, उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं ना, पंडित पादरी जो भी मौलवी को बुलाते हैं ना, उसके बच्चा का नामकरण होता है, उसका फ्यूचर दिखवाते हैं कि बच्चा क्या बनेगा साहब, क्या इसकी राशि आएगी, क्या इस कुंडली है, क्या किस तरीके से. तो ऐसे ही जब इन महाराज का जन्म हुआ राजा प्रतिबंधपुरम किंग का, तो इसके लिए भी जो क्योंकि ये राजा के घर पैदा हुए थे, तो उस शहर का उस किंगडम का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, सबसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजर था ना, उसको बुलाया गया. और फिर उसके बाद है ना, इनके फ्यूचर के बारे में, डेस्टिनी के बारे में डिस्क्राइब कहा गया. तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या कहा, कि द बॉय वुड डाई है ना, कि बच्चा क्या होगा, मर जाएगा. बच्चा क्या होगा, मर जाएगा. उसके बाद क्या होता है, जब ये बात को बोलते हैं तो क्या होता है, सडनली जो लड़का होता है न्यू बॉर्न, और जो कि मुश्किल से अभी 10 डेज का हुआ है, ये बोल बोलता है, ये क्या बोलता है ना, कि व्हाट इज न्यू इन दिस, एवरीवन हु हैज बॉर्न एंड मस्ट डाई. इसमें नई बात क्या है, यहाँ पे एक शॉकिंग थिंग क्या है, कि केवल 10 दिन का बेबी, केवल 10 दिन का बेबी जो कि राजा अधिराज थे, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम थे, तब ये 10 साल के थे ना, तो ये 10 डेज के थे, तब ये बोल उठते हैं कि इसमें नई बात क्या, जो पैदा हुआ वो तो मरेगा ही मरेगा, कुछ नया बताओ. तो है ना, तो सबके लिए शौकिंग था कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता, लेकिन ऐसा था ये बोलता है. तो क्या होता है, फिर पूछते हैं इसमें नया क्या है, तो ये जो इसमें क्या होता है कि फिर बताता है ना कि योर डेथ है ना वुड कम बाय अ टाइगर, कि तुम्हारी जो डेथ है वो किससे आएगी, टाइगर से आएगी. तो तुम्हारी डेथ मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी. तो टाइम निकल जाता है, उसके बाद राजा बड़ा हो जाता है, और जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है तो उसको क्राउन आका किंग बना दिया जाता है. और क्या होता है कि जब वो राजा बन जाता था, तो ही डिसाइडेड है ना कि आई हैव टू किल 100 टाइगर है ना, माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई फर्स्ट मेजर वर्क इज टू किल द 100 टाइगर. क्योंकि उसके अंदर डर है, जो सर ने कहा था उसको कि तेरी मौत, तुम्हारी मौत टाइगर से आएगी. तो जब वो 20 साल का था तो उसको क्राउन मतलब उसको राजा बना दिया जाता है. और राजा बनते ही वो डिसाइड करता है ना कि जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं मार लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा पहला काम वही होता है. और तो क्या होता है, फिर ये 20 साल की एज पर क्या होता है, पहला टाइगर क्या करता है, वो किल कर देता है. और टाइगर को किल करने के बाद कहाँ जाता है, वो उसी के पास जिसने बताया है ना, देखो है ना, आई हैव किल्ड अ टाइगर, दिखाता है, देखो मैंने टाइगर को मार दिया. तो ये बोलते हैं यस यू मे किल 98 टाइगर, के हो सकता है कि तुम 98 टाइगर को मार दो है ना, लेकिन बस है ना, बट यू हैव टू अवेयर है ना फ्रॉम द 100 टाइगर. तो ये बोलता है एस्ट्रोलॉजर के, हाँ हो सकता है कि तुम टाइगर्स को मार दो, और हो सकता है कि तुम 99 टाइगर्स को मार दो, लेकिन तुम्हें जो 100 टाइगर है ना, तुम्हें उससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मौत का जो रीजन है, जो वजह है, वो कौन रहेगा, वो होगा 100 टाइगर. तो भाई उसके बाद जो किंग है वो डिसाइड करता है ना कि आज के बाद मेरे किंगडम में कोई और टाइगर नहीं मारेगा, कोई परमिशन उसको नहीं दी जाएगी. तो वो ये फरमान अपने मंत्रियों से जरा बदल गया होता है, बोल देता है कि आज सबसे ना ये मेरा फरमान है कि आज के बाद केवल मैं ही और मैं अपने किंगडम में क्या टाइगर्स को मारूंगा.
भाई मारता है, सितंबर भर पे। तब एक इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज आता है उनके किंगडम में, और उसको भी बड़ा शौक था टाइगर मारने का, तो राजा ने मना कर दिया सिंपल सा, क्योंकि भाई क्योंकि उसका टाइगर पूरा नहीं होता है ना। और फिर बोलता है वो ब्रिटिशर के, ठीक है टाइगर को आप ही मारना है ना, बट आई वॉन्ट टू शूट अ फोटो विद टाइगर, है ना, कि ठीक है राजा साहब टाइगर को आप मारिए, बस मुझे फोटो शूट करना टाइगर साथ में। लेकिन राजा इसके लिए भी मना कर देता है, इसके पीछे वजह ये थी ना कि उसे ना उसकी सोच ये थी कि मान लो अगर मैंने आज इसको परमिट कर दिया यहाँ पर अपने राज्य में टाइगर के साथ में कुछ भी करने की, तो बाकी और भी लोग आएंगे, और हो सकता है कुछ इसमें उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं उसके लिए मना नहीं कर पाऊँ। अब यहाँ पर उसने मना तो कर दिया उससे, और राजा थोड़ा डर गया है, डर के आ गया कि जो ब्रिटिशर था बड़ा पावरफुल था, है ना, क्या था बड़ा अंग्रेज, बड़ा पावरफुल था, है ना। और इस वजह से क्या था कि जो राजा की जो कुर्सी है, जो सीट है, वो जा सकती थी। मैंने तो आपको पता शुरू में कि जिस टाइम पे ना ये कहानी जो सेट की गई, उस टाइम पे क्या था कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासक था, और उनके अंडर ही ना जगह छोटे छोटे राज्यों में राजा थे, जिसको वो चूज करते थे वो राजा बनते थे। तो ऐसे ही ये राजा बना हुआ था, ये तो डर था इसको कि मैंने इससे मना कर दिया और है ना, और इसको खबर मिल लगी कि साहब आपसे खफा हो गए और आपका राज संघर्ष में। तो इन्होंने क्या किया, राजा को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया, उसकी वाइफ को, जो आपको जो ब्रिटिशर था ना, जो अंग्रेज था ना, क्या किया कि उसकी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट भेजे, कुछ ज्वेलरी, है ना, और वो बहुत कॉस्टली थी। तो इन्होंने है ना उसकी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, सिंपल था ना, घर में होम स्टे कौन होता है, घर में मम्मी चलती है ना, वैसे सिंपल सा होता है कि जब इसको इम्प्रेस कर देगा तो ये भी खुश हो जाएगा, तो फिर ये जो मेरा जो मैंने मना किया उन बातों को भूल जाएगा और फिर मुझे राजा के पद से नहीं हटाएगा। तो इस किंग ने क्या किया, इस ब्रिटिशर की वाइफ को बहुत सारी ज्वेलरी ऑफर की, भिजवा दी, है ना। लेकिन भिजवाई तो उसने ये सोच के थी कि चलो ये इतना सारा ज्वेलरी ऑफर कर रहा हूँ, इनमें से एक तो रानी साहब को पसंद आएगी, इसकी वाइफ को ब्रिटिश है ना, तो ले लेंगे। लेकिन क्या किया उसने, तो सारी ज्वेलरी रख ली, और इस ज्वेलरी रखने के बाद क्या था, राजा ख्याल में बहुत लोड पड़ा भाई, बहुत कीमती ज्वेलरी थी वो, बहुत खोजने भी कॉस्टली थी, वो सब भिजवा दी उसने। और मन में यही था कि इसमें से एक दो को वो सिलेक्ट करेंगे बाकी रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसने सारी ज्वेलरी रख ली, तो राजा ख्याल में लोड पड़ा उसके ट्रेजर पर। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मेरी कुर्सी तो बच जाएगी, तो कुर्सी उसकी बच जाती है। अब क्या होता है, वो अपने किंगडम में रोज शिकार करता है, और करते करते टाइम क्या आ गया कि अब उसके किंगडम में कुछ ही सिर्फ लोइन टाइगर बचे हुए हैं। अब वो फिक्र है, उसे टेंशन है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको तो कितने मारने हैं, 100 टाइगर, लेकिन अब उसके किंगडम में खत्म हो गए। तो क्या होता है, अपने मंत्री से बोलता है ना कि यू है ना कि मेक अ लिस्ट ऑफ आर नेबरहुड कंट्रीज, किंगडम के हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनमें लिस्ट बनाओ, है ना, और लिस्ट कैसे बनाओ कि किस किंगडम में कितने टाइगर हैं, एक लिस्ट बनाओ ऐसी, और दूसरी लिस्ट बनाओ कि किस किंगडम में किसकी बेटी शादी करने के लिए है। अब ऐसा सर क्यों कहा, क्योंकि वो उस किंगडम में, जिस किंगडम में सबसे ज्यादा टाइगर होंगे, जो उसके टाइगर को पूरा कराएंगे, क्या करेगा कि वो उस राजा की बेटी शादी कर लेगा, तो वो वहां का रिलेटिव बन जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर उसको जो उसका टारगेट है मानने आएगा, पूरा हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, उसने पड़ोस में किंगडम में उसको एक ऐसा राज्य मिला जहाँ पर बहुत सारे टाइगर थे और उसकी बेटी थी, उसने उससे मैरिज कर ली, शादी कर ली। अब क्या होता है कि अब वो जितनी बार ये स्वराज जाता है ना, तो क्या करता हूँ, 5 से 6 टाइगर वो हर एक विजिट पर, जितनी बार वो अपने ससुराल गया उसने 5 से 6 टाइगर वहाँ मार दिए, और ऐसे चलता रहा। और क्या हो गया, ऐसा चलते 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 है ना, है ना, ही हैड किल्ड 99 टाइगर। अब उसने टाइगर कितने मार दिए, 99। अब वो कितना दूर है अपने टारगेट से, एक दूर है। अब इस एक के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उसने बहुत कोशिश की, उसे टाइगर नहीं मिला। अब वो परेशान, गुस्सा है, उसको डर है उसके लिए, है ना, और बाकी सारे काम छूटे हुए हैं। तो वो अपने जो मंत्री को ऑर्डर देता है ना, यू हैव टू अरेंज है ना वेरी सून अ टाइगर फॉर मी फॉर हंट, ठीक है, तुम्हें अभी बहुत जल्द, जैसे भी हो कैसे भी हो, तुम्हें मेरे लिए टाइगर अरेंज करना है, है ना, इफ यू वुड नॉट डू सो है ना, आई विल पनिश यू, अगर तुमने तुम ऐसा करने में नाकाम होते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कौन बोलता है, राजा बोलता है अपने मंत्रियों से। तो मंत्री कोई डर जाते हैं, हमारी तो जॉब चली जाएगी, पता नहीं किस तरह की सजा और मिल सकती है। तो वो बहुत सर्च करते हैं,
तो क्या होता है कि पास के ही राज्य में बर्ड सेंचुरी था, जू बोल सकते हैं उसको। तो क्या करते हैं कि वहां से उसका मंत्री मिलकर क्या करते हैं, एक बूढ़ा शेर ले आते हैं, अरेंज कर देते हैं और राजा के साथ सामने जंगल में छोड़ देते हैं और राजा को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो राजा बड़ा खुश होता है। तो क्या होता है कि राजा उसे मारने के लिए जाता है और राजा गोली चलाता है, शूट करता है और लोइन क्या होता है, जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। राजा बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने 100 टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। अब वो खुश होता तो अपने घर पे आ गया ना, घर पे आ रहा है, वो जश्न के मूड में है भाई, क्योंकि उसकी जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन किया था वो तो रॉन्ग प्रूव कर दिया, यानी उसने 100 टाइगर को मार दिया। और घर पे खुशी में वो तो झूम रहा है कि भाई मेरा जो खतरा था वो टल गया, अब मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही राजा घर आता, बाकी जो मंत्री थे वो भी जंगल में थे, तो वो क्या देखते हैं ना, दे फाउंड द टाइगर वॉज अलाइव। वो क्या देखते हैं कि वो टाइगर क्या है, जिंदा है। और उन्हें मालूम पड़ता तो बड़े दुख शोक होते हैं वो, ऐसा कैसे हो गया। अब वो राजा को बताना चाह रहे थे लेकिन बताया नहीं, क्योंकि भाई राजा जश्न के मूड में है, अगर राजा को उन्होंने ये बारे न्यूज़ दी तो पता राजा क्या करेगा। तो वो सब डर जाते हैं जो मंत्री होते हैं, और क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि डिसाइडेड ना कि दे किल द टाइगर देमसेल्फ, कि चलो कोई बात नहीं, राजा से नहीं मरा तो इसको हम ही मार देते हैं, राजा को भी नहीं पता चलेगी। तो जो मंत्री थे उसके जो भी सेनानी थे वो क्या होते हैं कि वो खुद उस टाइगर को मार देते हैं, टाइगर को क्या होते हैं वो मार देते हैं। और इस तरीके से 100 टाइगर क्या होती है, डेथ हो जाती है, लेकिन वो राजा से मारा नहीं और राजा खुश है। और अब राजा सारे काम छोड़कर अब कहाँ फोकस था उसका, अपने राज्य पर, क्योंकि वैसे उसकी पहली फोकस कहाँ था, इस पर किलिंग पर थी, लेकिन अब वो राज्य में ध्यान दे रहा है। और राजा का एक बेटा होता है, अब होता क्या है, बेटा होता है तो बेटे का बर्थडे आता है, बेटे का क्या आता है, बेटे का बर्थडे आता है, तो है ना, तो राजा डिसाइडेड टू गिव अ गिफ्ट, है ना, टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे। तो क्या होता है, राजा होता है वो क्या करता है, वो अपने बेटे के बर्थडे पर क्या होता है, एक गिफ्ट देना चाहता है, तो भी खास स्पेशल है ना। तो ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ गिफ्ट, तो वो कहाँ आता है, बाजार में जाता है बेटा के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो वहाँ एक टॉय की शॉप पर पहुंचता है, तो वहाँ क्या देखता है कि उस टॉय की शॉप पर क्या देखता है, उसको देखता है एक वुडन टाइगर, वुडन मींस लकड़ी का बना हुआ ना एक खिलौना देखता है उसको, टॉय बोल सकते हैं। जैसे ही वो शॉप पे गया तो उसे क्या दिखाई दिया, एक लकड़ी का खिलौना दिखाई दिया जो बड़ा सुंदर था। तो जैसे उसके पास जाता है तो पूछता है शॉपकीपर से, भाई कैसा क्या है। तो शॉपकीपर जिसको टाइगर को देखकर बड़ा खुश होता है, और क्या होता है, और वो समझता है तो बड़ा कोई ऐसे वाला आदमी है। तो जो शॉपकीपर था बड़ी तारीफ करता है उसकी, साहब ये टाइगर वुडन टाइगर ऐसा है, ऐसा है, इतना ये है, आपसे पहले इतना ले गए थे। और क्या करता है, वो राजा को मतलब बेवकूफ बना देता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। और बहुत तारीफ करता है, क्या होता है, राजा बड़ा इंप्रेस होता है भाई कि तो बड़ा अच्छा टॉय है, बड़ा अच्छा है। और क्या होता है कि राजा उस टॉय को खरीद लेता है, टॉय क्या था, लकड़ी का टाइगर था, एक खिलौना। और वो शॉपकीपर इस टॉय के और राजा से बहुत ज्यादा चार्ज करता है, बहुत कई ज्यादा गुना। अब राजा टॉय को घर पर ले आता है, अपने बच्चों को देता है। तो क्या होता है कि एक दिन राजा इसके साथ में ना खेल रहा होता है, अपने बेटे के साथ में बटन से, है ना। तो क्या होता है ना, तभी क्या होता है कि उस लकड़ी के खिलौने से ना उसके हाथ में कुछ लकड़ी चुभ जाती है। देखा ना मोजली, आप देखा हो ना कि लकड़ी कोई भी चीज, कोई भी आपका कोई भी थिंग है ना, लकड़ी में उसमें कहीं ना कहीं मतलब फांस बोलते हैं उसको, कोई भी शार्प पॉइंट निकला हुआ होता है कितना उसका तो चुभ जाता है। तो ऐसे क्या था कि लकड़ी का जो खिलौना था उसमें कोई पॉइंट निकला हुआ था और वो पॉइंट राजा के हैंड में चुभ जाता है। राजा क्या होता है, राजा पड़ जाता है बीमार, उसके हाथ में इंफेक्शन हो जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो फाइनली क्या होता है कि जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है ना, और उसको डॉक्टर बोलता है कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और राजा क्या होता है, मर जाता है। मतलब जो टाइगर का इन्फेक्शन था उसकी पूरी बॉडी में वो फैल गया था। तो डॉक्टर तो बोलते हैं, क्या बोलते डॉक्टर, कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, डॉक्टर क्या, लेकिन टाइगर ठीक हो तो मर जाता है, पता चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी क्या होती है, खत्म हो जाती है ना। तो हमने क्या देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर था ना उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई,
यानी जो हंड्रेड टाइगर था जंगल में जो था, क्या वो राजा ने मारा था? नहीं, वो किसी ने मारा था? उसके जो कर्टियर थे, जो उसके सेनापति थे, आर्मी ने मारा था, उससे मिस हो गया, तो 99 तो मार हुआ था। अब ये जो बुलेट टाइगर था, तो ये उसके लिए क्या हो गया? 100 हो गया ना किंग के लिए। तो इससे क्या हो गया? उसके हाथ में कुछ छुपा, तो उसकी मौत की वजह क्या बनी? ये बना, है ना? ये पता है ना कि ऐश्वर्या ने क्या कहा था, डेथ कहाँ होगी इसकी, टाइगर से होगी। लेकिन उस ऐश्वर्या ने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो टॉय होगा या रियल टाइगर होगा। उसने कहा था टाइगर से होगा, कि क्यों ना होगा रियल, तो था तो टाइगर ही, चाहे वो गोल्डन था लेकिन था तो टाइगर ही था ना। तो ऐसे उसकी डेथ क्या होती है? डेथ होती है। तो जो किंग की भी डेथ होती है, और जो ये था चीफ ऐश्वर्या, उसकी वंशवाणी क्या होती है? पूरी होती है। इसके साथ की स्टोरी क्या होती है? फिनिश होती है, ठीक है ना? तो है ना, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है टाइगर किंग। क्यों? क्योंकि उसने 99 टाइगर को क्या किया था? मारता हुआ, बड़ा फेमस था अपने पूरे कैटरीना में आसपास में टाइगर किलिंग के लिए, है ना? तो ये चैप्टर स्टूडेंट सिक्स की, ठीक है, आपकी समरी। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, है ना, और गुड बाय। और स्टूडेंट प्लीज, ओके, थैंक यू।